हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से जीवित परमेश्वर की हुजूरी में सबका स्वागत करते हैं। जीवंत तो ईश्वर उपस्थित है, पुत्र के स्वागतम जनाई। आज के मॉर्निंग डिवोशन है, ईश्वर गौरव करी, प्रशंसा करी एवं तार नामे स्तुति करी, कारण तिनी एकमात्र स्तुति एवं महिमा पावर योग्य। आसुन हमरा प्रभु के धन्यवाद करी। हालेलुया, फिर से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज की नया दिन देखने के लिए परमेश्वर हमें जीवित रखा इस धरती पे, भला और चंगा रखा परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ के योग्य परमेश्वर है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, मिराकल करने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आशीषों के लिए ही हमें जीवित रखा है, आपकी महिमा करने के लिए आपने दिखाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, आत्मा के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, सच्चाई के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरे सांसों में यीशु तुम हो। हो सुना पड़ा है यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ, सुना पड़ा है यहाँ, तुझको निगाह है मेरी, तुझको निगाह है मेरी, ढूंढे यहाँ वहाँ। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब 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 मैं पुकारूं तुम्हें, मेरे सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारूं तुम्हें, मेरे सांसों में यीशु तुम हो। आत्मा के द्वारा हो, सामर्थ के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कल की अभिषेक से आज हम ताजा नहीं हो सकते, आज की सुबह के लिए हमें ताजा अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। ओ पिता, पवित्र आत्मा की उस पवित्र उपस्थिति में हमें घेर दीजिए, उस बादल से हमें घेर दीजिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उस अग्नि से हमें घेर दीजिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उस खंबे को हमारे चारों तरफ खड़ा कर दीजिए, ताकि कोई विपत्ति हमारे सर के ऊपर ना लगे, कोई प्रकार की परिस्थिति हमारे आसपास ना आए, क्योंकि आपने भजन संहिता 91 के अनुसार हमें बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, केवल हमारे लिए नहीं परमेश्वर, आपकी जितने तमाम बच्चे पूरे भारत में हैं, पूरे विश्व भर में हैं, उन सब के ऊपर आपकी महा करुणा, आपकी महा दया रहे परमेश्वर। जो आज के दिन में ट्रेवल करने वाले हैं, जो दफ्तर जाने वाले हैं, जो घर पे रहने वाले हैं, उन तमाम हाउस वाइफ के लिए, उन तमाम ऑफिस वर्कर के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। रिबा शदर रबा शदर रबो रिबी रबो रबा रबा और रिबा बा बा बा
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ियों तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को प्रभु जी तेरे लहू से हम कवर करते हैं, पूरा इंडिया को तेरे लहू से कवर करते हैं, और तेरे इंडिया में रहने वाले, तेरे देश में रहने वाले उन तमाम बच्चों के जीवन में आपकी प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं। भजन संहिता 91 की घोषणा करते हैं प्रभु, उन उस वचन की जो पहली पद है उस पद में हरेक की नाम लिखा जाए परमेश्वर, जो जम्मू और कश्मीर में है, जो कन्याकुमारी की तरफ है, जो साउथ में है, जो ईस्ट में है, जो जो वेस्ट में है, yes, पापा। मेरी इंडिया के हर एक प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए बच्चों yes, के उत्तर चारों तरफ आपकी स्वर्गदूतों की बाड़ा रहे परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं अंतिम समय में उनको आपकी सुरक्षा के अलावा और कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। मैं विशेष करके आपके स्वर्गदूतों की बॉडी गार्ड उन सब के ऊपर मांगता हूँ, और रीमा खर रमा शेखी रे 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 और री बाबा 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 बा। पिता जो भी बोझ जो भी टेंशन है इसी समय उनके जीवन से उतर जाए और वो हल्का महसूस करे। पवित्र आत्मा की आग इस समय इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन आपके पवित्र बच्चों के ऊपर भेजते हैं। आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए उनकी हर कामों में, यीशु नासरी के नाम से वो सफल हो सके इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है परमेश्वर। उनकी परिवार में, उनकी बिजनेस में, उनके नौकरी में, उनकी हर सिचुएशन में अपने हाथ रखिए, उस पति पत्नी की रिश्तों में आपके हाथ रखते हैं परमेश्वर। और रीमा खर रामा शखल लड़ रब शंतर में इस सुबह के लिए परमेश्वर आपकी भारी अनुग्रह आपके बच्चे के ऊपर रहे, जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो सेवकाई करते हैं, उन पासवानों के ऊपर आपकी महा अनुग्रह रहे, उनकी मिसेस उनके बच्चों के ऊपर आपकी अनुग्रह रहे, हर कलीसिया के ऊपर, हर कलीसिया के सदस्य के ऊपर आपकी महान अनुग्रह रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपने सुना और आपने सामर्थ्य अभिषेक को भेजा, धन्यवाद करते हैं। आइए समय हम प्रभु का वचन को देखते हैं, यिर्मयाह 31 का जो 3 वचन है, इस वचन का हम लोग अध्ययन करते हैं। बांग्लाय जरा अच्छे तारा जिरोमियो 31 अध्याय तार 3 पद थे हमें देखो, एखे लेखा अच्छे बांग्ला में मैं पढ़ रहा हूँ, जो हिंदी में है वो अपनी हिंदी बाइबल को लेके पढ़िए, और जहाँ इस तरह लिखा हुआ है यिर्मयाह 31 का 4 में, और अभी बांग्ला ते पढ़ी, हम बंगाल से हम बंगाली पढ़ रहे हैं, आप अपनी हिंदी बाइबल पढ़िए, जो इंग्लिश में है अपनी इंग्लिश में पढ़िए। यिर्मयाह 31 वर्स 4 जिरोमियो पुस्तक 31 अध्याय 4 पद कारण लेखा आछे, आमी तोमाके पुनर्बार गाँथिया तुलिब, तुमी गाँथा जाइबे, तुमी पुनर्बार आपन तबले विभूषित होइबे, एवं आनंदकारीदेर श्रेणीते नित्य करिते करिते गमन करिबे। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग वर्ड है, आशीषित वर्ड है, और इसके साथ में मैं पढ़ना चाहूँगा 3 पद को, जो पहले में है आगे है, उस 3 पद को मैं पढ़ना चाहूँगा एक साथ में, और यहाँ लिखा हुआ है, सदा प्रभु दूर होइते आमाके दर्शन दिया बोलिलेन, आमी तो चिरप्रेमे तोमाके प्रेम करिया आसितेछि, एई जन्य आमी तोमार प्रति चिरस्थायी दया करिलाम, हे कुमारी इज़राइल। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करे परमेश्वर का। वो परमेश्वर कहता है कि वो हमें जो प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का जो स्वभाव ही है वो हमसे प्यार करता है, और वो परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता, यीशु मसीह कभी चेंज नहीं होता, वो कल जो था वो आज वो है, आने वाले दिनों में वो वही है। हम बदल जाते हैं, हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, भाई बहन माता पिता बदल जाते हैं, पति पत्नी बदल जाते हैं, पर वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, यीशु मसीह कभी बदलता नहीं, और यीशु मसीह का एक स्वभाव है, वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, और कैसा प्रेम करता है, वो अनंत प्रेम करता है। बांग्ला बोलते तिनी चीरो प्रेमे आमादेर के प्रेम को रिलेन, उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परमेश्वर का सेवक था जो एक नदी का किनारे प्रार्थना कर रहा था, और वो घुटनों में आके प्रार्थना कर रहा था, और जो प्रार्थना कर रहा था उसने देखा कि जहरीला स्कॉर्पियो एकटा विषाक्त बीचे से जलर मध्य भेसे भेसे जाच्छे, आर से बाँचार जन्य चेष्टा करछे, आर तार जन्य एकटा काटके सेइभावे आकड़े धरे आछे, और वो नदी जो बह रहा था सामने बहुत बड़ी वो खाई था, और उस खाई में वो गिरने वाला है पानी। तो सेवक ने बोला मैं इस बिच्छू को बचाऊँगा, आर से बोला आमी बिच्छूटाके बाँचाबो। उसने अपने
अपने बाएं हाथ बढ़ा दिया, और जब बाएं हाथ बढ़ाया तो बिच्छू बचने के लिए नहीं आया, उसने उसे काट डाला। तो से जब उसे डंक मारा, उसके जहर शरीर में प्रवेश किया सेवक के, और वो जलने लगा, वो दर्द महसूस करने लगा। फिर उसने दाहिने हाथ में काटा था, फिर बाएं हाथ को बढ़ा दिया, फिर बाएं हाथ जब बढ़ाया फिर उसने डंक मारा, फिर से बीचे तक कामड़े दिल, আর তখন তার দুটো হাতই যন্ত্রণা করছে। কিন্তু আরও সে কিছু দূর নদীর ধারে ধারে হেঁটে হেঁটে গেল এবং সে নিজের বস্ত্র খুললো, ও আপনি কপড়ে কো নিকালকে উস কপড়ে সে উস বিচ্ছু কো বচাকে বো কিনারে মে রাখ দিয়া। ফির এক সাধারণ ব্যক্তি অবিশ্বাসী বো দেখ রা থা আর সোচ রা থা ইয়ে কিতনা মূর্খ ব্যক্তি হ্যা জো এক বিচ্ছু নে একবার কাটা তো উসকো ছোড় নেহি দিয়া, উসকো দর্দ হো রা হ্যা, ফির ও দূসরে বার উসে বচানে কে লিয়ে চল গিয়া, फिर तीसरे बार बचाने के लिए चल गया। फिर वो हंस के कहने लगा, आप कितने मूर्ख इंसान हैं, आओ बिच्छू जो आपको बार बार काट रहे हैं आप उसको बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। उसने बोला, परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। मेरा परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला, वो बचाने वाला परमेश्वर है। हम चाहे उसे जितना भी हेट करें, हम चाहे जितना भी उससे भाग जाए, पर वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, क्योंकि वचन यूहन्ना 3:16 लिखा, परमेश्वर संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर वो अनंत जीवन को पाएगा। हम कितने पापी थे, गुनहगार थे, हम कितने हेट किए थे, उनको सलीब पर चढ़ा दिए, उन्हें 39 कोड़े घुमाए, उन्हें थूका, कांटे की मुकुट पहना, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, बोला पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। उसने हमें प्रेम किया इसलिए हमारे लिए जान दिया। उसने किसी एक कौम के लिए जान नहीं दिया, उसने सारे वर्ल्ड के लिए जान दिया है। वो कोई धर्म बनाने के लिए दुनिया में नहीं आया था, वो हमें प्रेम करता है इसीलिए वो दुनिया में आया था। यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह सारे संसार का परमेश्वर है, यीशु मसीह मनुष्य जाति का परमेश्वर है। वो मनुष्य जाति से प्यार करता है, इस तरह उसका स्वभाव ही है प्यार करना, वो कभी चेंज नहीं होता। इस तरह परमेश्वर के अगर आप सेवक है, हम सेविका है, हमारा स्वभाव में भी कोई नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमारे अंदर से किसी के लिए प्रेम की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर अगर हमारे अंदर है तो उसका नेचर भी हमारे अंदर है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आपका भी नेचर कभी चेंज नहीं होगा, अगर वो जीवित परमेश्वर जो एवरलास्टिंग लव हमसे प्यार करता है, अनंत प्रेम करता है, वो अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो हम भी एक दूसरे से अनंत काल का प्रेम करते रहेंगे, निस्वार्थ प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे इस मॉर्निंग डिवोशन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, कि वो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आए। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। महान पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र सुबह के लिए, इस डिवोशन के लिए, कि आपने हमें अनंत कालीन प्रेम दिया है। आपका प्यार कभी खत्म नहीं होता, और जब आप हमारे अंदर है, हमारे अंदर से भी उस प्रेम की कमी नहीं होना है। हमारे अंदर भी वो स्वभाव को आपने डाल दिया है, कि चाहे शैतान हमें बार बार डसे, शैतान बार बार हमें तकलीफ दे, हम हारेंगे नहीं। हम हारेंगे नहीं, हम पापियों से मोहब्बत करते रहेंगे, हम लोगों को क्षमा देते रहेंगे, क्योंकि आपका प्रेम हमारे अंदर है। धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे प्रभु के बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ आप सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और प्रभु के सामर्थ्य में चल रहे हैं। तो ये वचन से अगर आपके जीवन को बहुत ही आशीषित मिला है, तो अवश्य ये वचन अपने रिश्तेदार, कलीसिया के हर सदस्य और प्रभु के उस जन के पास पहुँचना चाहिए, ताकि उन्हें भी परमेश्वर की आशीष मिले। धन्यवाद करें परमेश्वर का, स्तुति करते हैं, सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, यीशु के नाम से।